शेप्स एंड मैप्स ऑन पेज नंबर 52 ऑफ योर माई इंग्लिश बुक 5। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी जो किताब है उसके पेज नंबर 52 पे शेप्स एंड मैप्स ये टॉपिक देखेंगे और साथ ही एक मैप बनाना भी सीखेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, शेप्स एंड मैप्स यानी कि अलग अलग टाइप के शेप, जैसा कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, और मैप यानी कि कोई भी नक्शा, कोई घर का, गार्डन का, स्कूल का। ठीक है, नेम द फॉलोइंग शेप्स, नीचे दी हुई शक्लों के नाम बताइए। जो शेप्स है उसके नाम हमको बताना है। सबसे पहले ये है, ये जो तीर का निशान है इसे कहते हैं एरो। इसके बाद ये है पॉइंट, उसके बाद ये स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि चौकोन, फिर ये रेक्टेंगल, मुस्ततील, ये ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि सलस, सर्कल, दायरा, स्टार, तारा, लाइन, ये लकीर, और पॉइंट यानी कि नुक्ता कहेंगे उर्दू में, और एरो तीर। चलिए देखते हैं नंबर 2, रीड द फॉलोइंग मैप, इस नक्शे को पढ़िए। नीचे एक मैप दिया हुआ है, हमको उसको देखना है। सबसे पहले है मैप ऑफ अ गार्डन। ये किस चीज़ का है, ये एक गार्डन का मैप है, गार्डन का नक्शा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट में दिया हुआ इंडेक्स, इंडेक्स यानी कि किस चीज़ को यहाँ पर क्या निशानी से बताया गया है वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले है ये एरो का निशान, ये है एंट्रेंस, यानी कि यहाँ से गार्डन में आने के लिए रास्ता है, एंट्री गेट, ये है वो एंट्रेंस। उसके बाद ये जो राउंड शेप है ब्लू कलर का, बड़ा राउंड, वो है फाउंटेन। हम देखते हैं कि ये यहाँ पर है फाउंटेन नीचे। उसके बाद फाउंटेन यानी कि जो फवारा होता है, कारंजे। उसके बाद ये है बुशेस, ग्रीन जो छोटे राउंड है, ये है छोटे छोटे झाड़ियाँ, छोटे छोटे झाड़ है, ये पूरे बुशेस है। उसके बाद ट्रायंगल से किसको दिखाया गया है, ट्रायंगल यानी कि ट्रीज, बड़े पेड़, ये ट्रायंगल जितने भी है ये पूरे क्या है, ये बड़े पेड़ हैं। उसके बाद ये है लॉन, घास जिसको दिखाई गई है, यानी कि ये बैठने के लिए खुली जो है घास का एरिया है, ये लॉन है। उसके बाद ये पट्टी जो है येलो पट्टी, ये जो रेक्टेंगल दिखाया गया है, ये है स्लाइड्स, यानी कि फिसल गुंडे जो होते हैं जिस पे बच्चे बैठ के फिसलते हैं, वो स्लाइड्स यहाँ पर है गार्डन में। उसके बाद यू शेप जो दिखाया गया है, वो स्विंग, स्विंग्स यानी कि झूले, यहाँ पर और यहाँ पर ये स्विंग झूले हैं। उसके बाद ये जो स्क्वायर बताया गया है पिंक कलर का, ये है कैंटीन, यहाँ पर है कैंटीन। उसके बाद ये जो ब्लैक जो डॉट बताया गया है, ये है गार्बेज बिन, यानी कि कचरे का डस्टबिन, यहाँ पर, यहाँ पर, और बस दो जगह डस्टबिन रखा हुआ है। उसके बाद ये पर्पल कलर का जो स्क्वायर है, वो टॉयलेट्स कहाँ पर है वो दिखा रहा है, वो है यहाँ पर गार्डन में। और उसके अलावा ये जो स्टार है, ये रॉकेट दिखा रहा है, रॉकेट जो होता है बच्चों के लिए ऊपर चढ़ के देखने का, वो रॉकेट यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद ये जो एक स्मॉल सर्कल है, उसके बाद एक बड़ा सर्कल है, ये बनियान ट्री एंड प्लेटफॉर्म, एक बरगद का पेड़ है और उसके अतराफ एक प्लेटफॉर्म यानी कि एक चबूतरा है, वो कहाँ है, वो यहाँ पर इस कॉर्नर में है। और लास्ट में हम देखते हैं स्टॉल्स, स्टॉल्स यानी कि दुकानें, ये हाफ सर्कल जो है इसको दिखाया गया है, तो स्टॉल्स कहाँ पर है हम देखते हैं, स्टॉल्स ये गार्डन के बाहर लगे हुए हैं, ये पूरे स्टॉल्स। ठीक है, तो आपको ये मैप ऑफ गार्डन समझ आया होगा। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। नंबर 3, नाउ ड्रॉ मैप्स ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द शेप्स यू नो, प्रिपेयर एन इंडेक्स इन इंग्लिश। कोई जो है दो मैप्स आपको बनाना है मुख्तलिफ मानुष शक्लों को इस्तेमाल करके, ज़ैल में से किसी दो के नक्शे बनाइए, इसके लिए अंग्रेज़ी में शायरी इंडेक्स बनाइए। तो यहाँ पर योर क्लासरूम है, योर हाउस,
योर स्कूल, एनी गार्डन, एनी टाउन। तो ये गार्डन के लिए आप यही एक बना ले सकते हैं, ये एक हो गया मैप। आप इसको जो है एक वाइट पेपर के ऊपर बनाइए, बना के जो है अपने नोटबुक में पेस्ट कीजिए और